वेलकम स्टूडेंट्स, इस यूनिट पे हम देखेंगे कि अगर हमें किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या सिस्टम का एनालिसिस करना है तो उस केस में जो टूल हम यूज करते हैं यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन कैसे होगा। जेड ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन, उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है अलग अलग सिग्नल्स के लिए। अलग अलग सिग्नल्स यानी अगर हमारा सिग्नल कॉजल है, एंटी कॉजल है या नॉन कॉजल है, तो उस केस में जेड ट्रांसफॉर्म और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एस्टीमेशन हमें कैसे करना है। इसके साथ ही हम देखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में, उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ, उन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें जेड ट्रांसफॉर्म दिया गया है तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल का एस्टीमेशन हम कैसे करेंगे, यानी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अगर हमें किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का एनालिसिस करना है जेड ट्रांसफॉर्म को यूज करके, तो हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे, हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी। और साथ में अगर हम डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो जेड ट्रांसफॉर्म से उसका क्या रिलेशन है। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हम कुछ बेसिक सिग्नल्स लेते हैं तो उनके जेड ट्रांसफॉर्म का एस्टीमेशन हम कैसे करेंगे, यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म यानी सिंगल साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म का एस्टीमेशन कैसे होता है।